हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 101 टू 103 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चैप्टर 4। सेक्शन 101 बात करता है सर्विस या टेंडर एजेंट पे, तो जहाँ पे कोई पर्सन जो जिसे नोटिस देना है या जिस जो टेंडर या जो नोटिस दे रहा है जिसको नोटिस या टेंडर सर्व करना है या देना है उस वो इस चैप्टर के अंदर वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता जहाँ पे वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी या उसका पार्ट सिचुएटेड है, तो वो जो भी एजेंट होगा उसका या जैसे पावर ऑफ अटर्नी होगी उसे या जो पर्सन ऑथराइज्ड होगा कि वो ले सकता है टेंडर या सर्विस नोटिस की ले सकता है, तो उसे नोटिस देना सफिशिएंट है। और जहाँ पे कोई पर्सन या एजेंट जिसे सर्व करना है वो नहीं मिल पा रहा है या फिर तो जो या जो पर्सन नोन है कि वो जिसे सर्व करना है, तो जो लेटर पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि जहाँ पे ब्रॉट मतलब कि रिडेम्पशन के लिए आया है केस, और वो जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है कि कैसे मैनर में उस नोटिस को सर्व करना है, और उसमें जो डायरेक्शन होगी वो सफिशिएंट है। फिर इसमें प्रोवाइजो है कि अगर कोई ऐसा केस है जो सेक्शन 83 में दिया है तो ऐसे डिपॉजिट में जो एप्लीकेशन है कोर्ट को दी जाएगी जहाँ पे डिपॉजिट किया गया है, और जहाँ पे कोई पर्सन नहीं पता है कि किसे टेंडर करना है, तो वो जो पर्सन है वो कोर्ट में डिपॉजिट कर सकता है कोई जिसमें सूट है रिडेम्पशन के लिए, और जो अमाउंट है वो टेंडर की जाएगी और उस डिपॉजिट को जो है टेंडर का इफेक्ट दे के आगे काम किया जाएगा। फिर सेक्शन 102 बात करता है कि अगर कोई इनकम्पिटेंट पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करने को उसको नोटिस कैसे देनी है, तो जहाँ पे कोई पर्सन है इस चैप्टर में जहाँ पे एक नोटिस को सर्व करना है या टेंडर है या फिर तो उसके लिए अगर कोई पर्सन इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने को, तो नोटिस जो है या टेंडर जो है वो उसके लीगल क्यूरेटर को दिया जा सकता है, और अगर ऐसा कोई लीगल क्यूरेटर नहीं है तो वो जो नोटिस सर्व करने के लिए टेंडर के लिए, तो इस प्रोविजंस को मतलब चैप्टर के प्रोविजंस को देखते हुए एप्लीकेशन कोर्ट में लाई जा सकती है कि जहाँ पे सूट रखा हुआ है ब्रॉट किया गया है लाया गया है रिडेम्पशन के लिए वहाँ उस कोर्ट में रिडेम्पशन के लिए, तो उसमें कि वो अपॉइंट करे गार्जियन और ऐड करे उस पर्पज़ के लिए सर्व करने को नोटिस, और बनाए ऐसा टेंडर डिपॉजिट करने के लिए अगर कुछ है तो, और जो भी परफॉर्मेंस होंगे इस एक्ट के जो ऐसे जैसे कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 32 शेड्यूल 1 CPC के वो भी अप्लाई होंगे उस एप्लीकेशन में और उस गार्जियन को अपॉइंट करने में। सेक्शन 103 बात करता है रूल्स बनाने की पावर जो कि हाई कोर्ट के पास है, और वो जो भी बनाता है तो जो कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर हैं जो उसके सुपरिंटेंडेंट्स में हैं उनके ऊपर भी वो जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाई करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है प्रोविजंस उनको सब्जेक्ट करते हुए। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।